हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली अपनी पूरी क्रिप्टो गुरु फैमिली मेंबर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में 1,00,000 रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिस्क भी ले सकते हैं और अपने पूरे इमोशंस को कंट्रोल करके 2025 आने वाले बुल रन तक यहां पर होल्डिंग भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किस तरीके से 1,00,000 रुपए का पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाए कि आने वाले नेक्स्ट बुल रन तक हम करोड़पति बन जाएं। सो फाइनली आज मैंने पूरी रिसर्च स्टडी एनालिसिस कर लिया है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाइटल जो मैंने पुट अप किया है वो यही है कि आप सभी लोगों को सिर्फ 1,00,000 रुपए का इस तरीके से रिस्क लेना है और इस तरीके से आप लोगों को पोर्टफोलियो डिजाइन करना है कि आप सभी लोगों को 2025 के बुल रन में करोड़पति बना सके। और अगर आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में बिल्कुल नए हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी यहां पर माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं बताता चल रहा हूं उस तरीके से अगर आप लोगों ने रिस्क ले लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे, ये इस कैटेगरी के प्रोजेक्ट मैं बताने वाला हूं जिन पर आप सभी लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और पूरी तरीके से 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और इन सभी प्रोजेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भी मैं प्रोजेक्ट आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं वो कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है। उनकी जो डेवलपर टीम है करंट सिचुएशन में वो बहुत ही धमाकेदार टीम है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर बहुत सारी ऐसी न्यूज और अपडेट्स निकल करके आती रहती हैं। और ये जो ऐसे प्रोजेक्ट मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं इसमें आप SIP प्लस DCA दोनों स्ट्रेटजी का यूज आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि SIP और DCA एप्लीकेबल प्रोजेक्ट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो लोग गलतियां करते हैं कि आखिर 1,00,000 रुपए का जो पोर्टफोलियो है वो किस तरीके से डिजाइन किया जाए और कितने परसेंटेज आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है। कहने का मतलब जो आपका 1,00,000 रुपए का पोर्टफोलियो डिजाइन होने वाला है उसको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मनी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे जो आपका 30% का पोर्टफोलियो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में लार्ज कैप वाले क्वाइन है सिर्फ और सिर्फ उसी में इन्वेस्टमेंट करना है 30% का जो पहला पोर्टफोलियो रहने वाला है। अब लार्ज कैप क्वाइन में कोई ये डिसाइड नहीं है कि कौन कौन से क्वाइन आते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर आप बिटकॉइन को कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंड जनरेशन आप क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है इथीरियम, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं लार्ज कैप क्वाइन में। उसके बाद में वर्ल्ड का टॉप लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिसका नाम है बाइनेंस, उसका नेटिव टोकन BNB क्वाइन है। उसके बाद में LTC लाइट क्वाइन है और रिप्पल को हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं। ये ऐसे 5 कॉइन हैं जो लार्ज कैप क्वाइन में यहां पर कंसीडर किए जाते हैं। पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन सभी लोगों का मानना है ये 5 के 5 क्वाइन लार्ज कैप कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आप लोग आंख बंद करके 30% पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की है और ज्यादा अगर आप रिस्क ले सकते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, तो आप लोग इन ऐसे प्रोजेक्ट में आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जितना आपकी कैपेसिटी है उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि मिनिमम आपको 3 ईयर से लेकर के 5 ईयर्स तक आपकी होल्डिंग पावर होनी चाहिए। अगर आपने इतने दिन तक होल्ड कर लिया तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपको कभी भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इन पोर्टफोलियो में लॉस नहीं होने वाला है। उसके बाद में बात करेंगे सेकेंड पोर्टफोलियो की। 40% का जो पोर्टफोलियो अगला बनने वाला है उसमें आने वाले हैं वो जो मीडियम कैप के क्वाइंस होते हैं उसमें। और मीडियम कैप के क्वाइन जो मैं शेयर करने वाला हूं, कुछ एग्जांपल आप सभी लोगों के साथ में हैं, उसमें आप लोग पूरी तरीके से रिस्क ले सकते हैं। सबसे पहला जो क्वाइन है जिसका नाम है कार्डेनो, शॉर्ट नेम उसका है ADA। दूसरा जो क्वाइन है उसको हमने रखा है मैटिक। तीसरा क्वाइन है सोल डॉट अवैक्स।
और उसके बाद में चैलनिक क्वाइन और बिटकॉइन कैश। ये इतने ऐसे क्वाइन हैं जो मीडियम कैप के कैटेगरी में आते हैं, लोग मानते हैं। इसमें आप लोग 40% जो पोर्टफोलियो रहने वाला है, इन सभी क्वाइंस में आप लोग डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जो मैंने प्रोजेक्ट शेयर किए हैं, ये बहुत ही कम रिस्की क्वाइन है। जो मैंने पहले 30% रेशियो यहां पर शेयर किया था, जो 5 क्वाइन शेयर किए थे, वो तो बिल्कुल ही रिस्क फ्री है, लगभग आप मान सकते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में। लेकिन ये जो मैं क्वाइन शेयर कर रहा हूं, 40% आपका जो पोर्टफोलियो होने वाला है, जो मिड कैप की कैटेगरी में होने वाला है, ये बहुत ही कम रिस्की है करंट सिचुएशन की रिसर्च के मुताबिक। और कम से कम अगर आपने 3 साल के लिए होल्ड कर लिया तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपको ताबड़तोड़ तरीके से प्रॉफिट मिलने वाला है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट जो 20% का पोर्टफोलियो होने वाला है। पहला कैटेगरी मैंने बताया लार्ज कैप क्वाइंस का, जिसमें आपका पोर्टफोलियो 30% होना चाहिए। दूसरा जो कैटेगरी बताया मैंने, उसमें 40% का होना चाहिए जो मिड कैप के क्वाइंस होंगे। और नेक्स्ट जो यहां पर 20% का पोर्टफोलियो आपका डिजाइन होने वाला है, जिसमें आपके स्मॉल कैप क्वाइंस आते हैं। इसमें बहुत सारे मार्केट में प्रोजेक्ट अवेलेबल है, आप चाहे जिस क्वाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया है, क्योंकि आपको पता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में बहुत सारी कैटेगरी अवेलेबल हैं, जिसमें आप डेफी को चूज कर सकते हैं, मेटावर्स को चूज कर सकते हैं, वेब 3.0 को चूज कर सकते हैं और एनएफटी मार्केट प्लेस को भी चूज कर सकते हैं। ये 4 ऐसी कैटेगरी है, अगर कोई भी आने वाले टाइम में ट्रेंड चल गया तो यकीन मानिए आपका पूरा पोर्टफोलियो एक तरफ और इसका 20% का पोर्टफोलियो एक तरफ हो जाएगा। क्योंकि ये यहां पर स्मॉल कैप की जो कैपेसिटी होती है वो 100x से लेकर के 500x 1100x तक यहां पर रिटर्न मिलता रहता है। और इस इतिहास के गवाह ने बताया है कि बहुत सारे ऐसे क्वाइन हैं जिन्होंने 100 200 500 गुना इवन 1000 गुना भी प्रॉफिट दिया है। इसमें कुछ एग्जांपल के तौर पर मैंने क्वाइन सेलेक्ट किया है, जो चैन लिंक है, यूनिस्वैप है, फैंटम क्वाइन है, जीआरटी है, एपी है, सैंड है, और उसके बाद में माना क्वाइन है, थीटा है, जिलका है, ईवीटी क्वाइन है। ऐसे बहुत सारे कैटेगरी के क्वाइंस हैं, लेकिन ये जो मैंने उसके बाद में बात करेंगे, सबसे जरूरी बात ये है कि अब आप लोगों के ऊपर यहां पर डिपेंड करता है। आप लोग खुद सोचिए कि आपको किस कैटेगरी का पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, क्योंकि मैंने 2-3 कैटेगरी बता दिए हैं। आप लोग जिस तरीके से रिस्क ले सकते हैं उसी तरीके से आप लोग अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करिए। लेकिन जो मैंने जिस कैटेगरी में आप सभी लोगों को बताया है, अगर आप लोगों ने इस कैटेगरी में पोर्टफोलियो को डिजाइन किया तो यकीन मानिए आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट मिलने वाला है। और यह जो 1,00,000 रुपए का आप लोगों का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, आप चाहे तो इसका 1,00,000 का 10,00,000 भी बना सकते हैं, 50,00,000 भी बना सकते हैं, 1,00,000 भी बना सकते हैं और 2,00,000 भी बना सकते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा डिपेंड यह होने वाला है कि आप कितना ज्यादा रिस्क लेने के शौकीन हैं। जितना ज्यादा आप लोग रिस्क लेने के शौकीन हैं, उतना ज्यादा आपका पोर्टफोलियो भी बड़ा होने वाला है। तो कहने का मतलब, जो हाई रिस्क और हाई रिवार्ड का रेशियो चलता है वो हर जगह चलता है। आप जितना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को 2025 में तैयार हो जाए, उसी हिसाब से आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। और अगर आप लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं तो जिस तरीके से मैंने पोर्टफोलियो बताया है, उसी तरीके से आप लोग अच्छे अच्छे क्वाइन में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, एक बहुत ही जबरदस्त हाईएस्ट रिटर्न आपको मिल जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे, ये सभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप लोगों के कितनी ज्यादा कैपेसिटी है इन्वेस्टमेंट करने की। ये मैंने आप सभी लोगों के साथ में 1,00,000 रुपए का पोर्टफोलियो डिजाइन करके बताया है। आप चाहे तो 5,00,000 का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप चाहे तो 10,00,000 का बना सकते हैं, आप चाहे तो 50,00,000 का पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं और आप चाहे तो 10,000, 20,000, 50,000 का भी पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से आपकी जितनी भी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर रहने वाला है। और उसके बाद में बात करेंगे, आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों का किस तरीके से पोर्टफोलियो अभी तक डिजाइन हुआ है
वो भी कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि सभी लोगों को यह इंफॉर्मेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। जो लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में बिल्कुल नए हैं और उन लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन किया जाए, तो मैंने अभी तक जो आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पोर्टफोलियो डिजाइन करने के लिए बताया, वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में बता दिया है। लेकिन अभी भी आपके पास में 10% का पोर्टफोलियो बचा हुआ है, जिसको हम यहां पर कंसीडर करने वाले हैं मीम कॉइंस में। क्योंकि आपको पता है कि मीम कॉइंस ऐसे यहां पर ट्रेंड जैसे आता है, वहां पर हजारों गुना का प्रॉफिट मिलता है। ये आप लोगों ने प्रॉफिट भी दिया है और प्रूफ भी बहुत सारा देखा है, तो इसमें यहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से बात होने वाली है। क्योंकि मीम कॉइंस यहां पर जो 10% आपका पोर्टफोलियो रहने वाला है, वो 90% पोर्टफोलियो को भी बीट कर सकता है। जी हाँ, ये कोई बहुत ताजुब वाली बात नहीं है, ये सही में हुआ है, रियल में भी हुआ है और मार्केट में प्रूफ भी बहुत सारा आया है। लेकिन यकीन मानिए, आपका जो 10% का पोर्टफोलियो है, वो भी बहुत ही धमाकेदार तरीके से प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क और हाई रिवार्ड वाले क्वाइंस हैं। अब इसमें कुछ मैंने क्वाइंस आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं, चाहे वो सिबा क्वाइन हो, या बेबी डॉज हो, या फ्लॉकिन हो, या फिर बिटगर्ड क्वाइन हो, बोन क्वाइन हो, डॉगी चैन हो, किंग सिबा हो, और अभी लेटेस्ट पेपे क्वाइन भी आया है, जिसमें आप लोग रिस्क ले सकते हैं $5-10 का। उसके बाद में किसु इनु क्वाइन है। तो ये टॉप के मीम क्रिप्टो करेंसीज है, जिसमें आपका पोर्टफोलियो 10% तक होना चाहिए। ये मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आप लोग नहीं चाहते हैं, इससे ही यहां पर सेटिस्फाइड हैं, तो 10% का रिस्क लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सफिशियंट है, क्योंकि 10% में भी आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। सो आज के वीडियो में यही इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आपका क्या पोर्टफोलियो है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो में अगर इंफॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। और हां, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी लोग शेयर जरूर करिएगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दीजिए। आने वाले टाइम में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।